उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुनरकी से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन कराने पहुंचे थे, लेकिन देरी की वजह से उनका नामांकन नहीं हो सका। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू अब मंगलवार को अपना नामांकन कराएंगे। उन्होंने बताया कि प्रस्तावक समय से नहीं पहुंचने की वजह से उनका नामांकन आज नहीं हुआ, इसलिए वो अब कल अपना नामांकन कराएंगे। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से कुनरकी भी एक है। कुनरकी सीट पर पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी हाजी चांद बाबू को बनाया है। आज कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन कराने पहुंचे थे, लेकिन प्रस्तावक समय से नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से उनका नामांकन आज टल गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आज प्रस्तावकों के देरी से आने के कारण उनका नॉमिनेशन टल गया है। आपको बता दें कि नामांकन का समय शाम 3 बजे तक है, लेकिन चांद बाबू अपने समर्थकों के साथ 2:45 पर पहुंचे थे। जिसने भी ये सुना, सभी ने बस यही कहा कि ये तो अभी से लेट लतीफ नेता जी हैं। ये बताइए भाई साहब, आज आप नामांकन के लिए आए, वो पर्चे दाखिल करने आए, क्या मामला? क्या नाम है आपका और किस पार्टी से हैं आप? मेरा नाम चांद बाबू है, आजाद समाज पार्टी काशीराम से हूँ। पर्चा दाखिल करने आए थे हम लोग, अंदर हम चले भी गए थे, थोड़ा सा प्रस्तावक हमारे लेट हो गए और जाम के कारण समय 11:00 से 3 था, थोड़े से लेट हो गए, उसकी वजह से अब पर्चा हम सुबह दाखिल करेंगे। कितना लेट हुए आप? मुश्किल से 5-7 मिनट लेट। कब भरेंगे पर्चा दाखिल? सुबह दाखिल करेंगे, पूरी तैयारी। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं? चुनाव के मुद्दे तो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, यही मुद्दे हैं। और कौन से मुद्दे? जनता को किस तरीके से प्यार मिल रहा है? जनता का अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा जनता का प्यार मिल रहा है। कोई भी जनता के लिए नया नहीं हूँ, 10 साल से जनता के लिए सेवा कर रहा हूँ, उनकी विधानसभा की, तो प्यार तो मिलना ही है। किससे मुकाबला मानते हैं अपना? हमारा किसी से मुकाबला नहीं, इसका मुकाबला होगा हमसे। ठीक।